सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में और जानकारी ये वीडियो में देने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ लोग खुद होके आते हैं, इलाज करते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और इलाज कर लेते हैं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो किशोर अवस्था में उसकी शुरुआत होती है और कभी कभी बच्चों में भी इसकी शुरुआत हो जाती है। और छोटे बच्चों में यदि इसकी शुरुआत हो गई तो फिर बच्चे स्कूल में जाना टालते हैं, तो स्कूल फोबिया डेवलप हो जाता है उनको, पढ़ाई करना डालते, घर के बाहर निकलना डाल देते। और बच्चों को शुरुआत हो गई तो फिर उनकी स्कूल भी डूबना शुरू हो जाती है और फिर स्कूल जाता नहीं, उसका कारण समझता ही नहीं कि स्कूल क्यों नहीं जा रहा, उसको रहता है सोशल एंग्जाइटी का प्रॉब्लम। बड़े होने के बाद में ये लोग है ना बहुत ही नरम गरम बात करते, मतलब बहुत ही नरम नरम बात करते, सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं ये, आंखों से आंख नहीं मिलाएंगे। और ये लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन रह के आंखों से आंख नहीं मिलाएंगे, एकदम हाँ जी हाँ मिलाएंगे, एकदम बहुत ही अच्छे रहते हैं, नाइस रहते हैं। और ये खुद के प्रॉब्लम्स कभी बाहर किसको बोलेंगे नहीं, घर के बाहर निकलते नहीं है। जहाँ अननोन लोग है, स्ट्रेंजर्स है, जहाँ एकदम क्राउड होंगे और जहाँ एकदम अलग लोग मिलेंगे जो उनके पहचान के नहीं है, वहाँ वो जाएंगे नहीं। तो बिना पहचान के लोग, उनके सामने कुछ बोलना है, भाषण करना है, तो वहाँ भी जाएंगे नहीं और अकेला अकेले रहना पसंद करते हैं। ये जो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ये पैनिक डिसऑर्डर और एग्रोफोबिया, ये बीमारी से अलग है और उसका डायग्नोसिस अलग करना जरूरी है। ये दोनों अलग, मतलब तीनों भी अलग है, पैनिक डिसऑर्डर, एग्रोफोबिया और सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये तीनों अलग अलग है। कभी कभी डिसमॉर्फोफोबिया रहता है, मतलब अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में शक कि मेरा बॉडी पार्ट, मेरा चेहरा बराबर नहीं है, और इसके वजह से वो लोगों में जाता नहीं है, घुल मिलता नहीं है, तो वो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं है, वो डिसमॉर्फोफोबिया है। ये सोशल एंग्जाइटी जिनको है, वो बच्चे किशोरावस्था में यदि वो आइडेंटिफाई नहीं किया, अकेले अकेले रहना पसंद करते, फिर कुछ लोग शराब के, मतलब शराब का नशा करना चालू करते, नशीले पदार्थ लेना चालू कर देते, जिससे उनका एंग्जाइटी जो है उनकी कम हो जाती है, उनको रिलैक्स लगता है, वो बाहर लोगों को जाके फेस कर सकती है और फिर उसके आदि हो जाते हैं। तो इसका डायग्नोसिस एकदम सबसे पहले अवस्था में होना जरूरी है और डायग्नोसिस के बाद में ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और सम्मोहन उपचार जो है वो बेस्ट माना गया है। मेडिसिन हम देते हैं तो मेडिसिन से भी उनको बहुत अच्छा रिलीफ आ जाता है। जब उनको बाहर जाना है, घर के बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, तो उस समय कुछ ऐसी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे उनको डर कम लगे और जो फेस करे लोगों को, तो ऐसे मेडिसिन से वो फेस भी कर सकते हैं, बाहर आना उनको संभव है और धीरे 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 उससे बाहर आ सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये परेशानी है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसका इलाज है, तो इसका इलाज हो सकता है, 100% क्योर संभव है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों का एजुकेशन करो ताकि लोग अपना जीवन अच्छा जी सकेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।